हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी। आप लोग आज मुझे देख रहे होंगे आरओ के साथ, है ना, और पीछे कैंडल नज़र आ रही होगी। तो सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या लेके आई हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी, केमिस्ट्री की टीचर लॉरिका मैम, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट सा, आप कह सकते हो हमारे घर का हिस्सा, जो आजकल सबके घरों में होता है लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्या है ये? ये है आरओ, है ना। हम लोग यही कहते हैं ना घरों में कि क्या है आरओ, और बहुत से लोगों को आरओ की फुल फॉर्म ही नहीं पता है। बेटा आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और आरओ ये एक्चुअली आरओ की मशीन है। हम इसको कहते हैं आरओ लगाए हमारे घरों में। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या होता है उसमें, आप देख सकते हो कि इसमें साफ पानी निकलता है ना, आप साफ पानी पीते हो, इसका मतलब जो पानी में गंदगी है वो छन्नी करके या आप उसको फिल्टर करके ये हमें देता है। इसका मतलब जो भी बेकार चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, व्हाटएवर, सारी चीज़ें। तो इसका मतलब कि सिंपल सा एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, उसका उल्टा है क्या, उसका अपोजिट है ये रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से, भाई जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से, जहाँ आपके पास किसी चीज़ की अधिकता होगी, है ना, वहीं से पानी आपका ट्रैवल करेगा ना। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, अगर आप घरों में रात में या सुबह भी कुछ घंटों के लिए किशमिश को पानी में भिगो के रख दो, क्या होता है वो फूल जाती है ना। क्यों फूल जाती है? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी की मात्रा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम है, और बाहर क्या है उस कटोरी में, उस कटोरी में ज़्यादा है, है ना। उस कटोरी का जो बाहर का पानी है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से पानी चला जाता है किशमिश के अंदर और किशमिश आपकी फूल जाती है। वही सेम चीज़ है, वो है आपका प्रोसेस ऑस्मोसिस, और उसका उल्टा। उल्टा क्या मतलब? रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे कि नमक वाला पानी है, खारा पानी है, उसको साफ करना है, डीसेलिनेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट हटाने हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स एक्स्ट्रा हटाने हैं, पीने लायक पानी बनाना है, तो हमें क्या हटाना है, हमें उसमें से सॉल्यूट हटाना है। तो सॉल्वेंट आपका नो डाउट मूव करता है नॉर्मली कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है इसका, उल्टा प्रोसेस। और ये सारी चीज़ें होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे घरों में होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। क्यों, हम तो कहते हैं आरओ लगाए जी, आरओ लगाए, और वो अलग बात है कि आरओ तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, है ना, ये आरओ मशीन है। अब आप देख सकते होंगे कैंडल पीछे, देख सकते होंगे गंदी हो गई बहुत, है ना। आज मैंने बुलाया हुआ एक्चुअली अपने उसको कि इसको आप कैंडल रिप्लेस कर दीजिए इसकी सर्विसिंग के लिए, है ना। तो वो आएगा तो बात करता है TDS की। तो बात आती है ये TDS क्या चीज़ है, है ना। TDS क्या फुल फॉर्म है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है बेटा टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, कि आपके पानी में सॉल्यूट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कि कितना उस आपके पानी में मिनरल्स या जो भी आपका कंटेंट है सॉल्यूट की मात्रा वो होनी चाहिए जो कि आपके शरीर के लिए ठीक हो। तो ये जो आपका TDS है, ये जो आपका सॉल्यूट की मात्रा, ये आप मेजर करते हो मिलीग्राम पर लीटर में, और इसके लिए ना एक मशीन सी आती है, TDS मीटर आता है। तो अगर आप कभी, मैं कभी अगर मौका लगा तो आपको मशीन लेके चेक करके दिखाऊंगी। उसमें क्या होता है, ग्लास में अगर आप चेक करो ना, वो एक वैल्यू सी दिखाता है, जैसे आपका थर्मामीटर होता है ना, डिजिटल थर्मामीटर, वैसे एक वैल्यू दिखाएगा। तो वो एक कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूट्स अलाउ करते हैं, और नॉर्मली अगर हम WHO की बात करें तो 300 मिलीग्राम पर लीटर तक ठीक माना जाता है ना। 300 से 600 में क्या होता है कि थोड़ा और उसमें डिजॉल्व सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल प्योर हो, 50 या 100 से नीचे का जो आपका वैल्यू है टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट की, उसके नीचे का तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है बिल्कुल प्योर पानी पीने की, तो वो क्या होता है आपकी बॉडी ना रफ एंड टफ नहीं रहती है। और एक चीज़ और, घरों में एक्वागार्ड भी लगा होता है और आरओ भी, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में तो क्या चीज़ सही होगी? मेरा मानना यह है कि आरओ भी ठीक है अपनी जगह, एक्वागार्ड भी ठीक है, लेकिन अगर आरओ का आप TDS ऐसे सेट करते हो कि ना ज़्यादा बहुत फिल्टर्ड वाटर, है ना, कि जी उसमें कोई मिनरल्स ही नहीं है, ऐसा पानी भी पी के कोई फ़ायदा नहीं है, रफ एंड टफ होना चाहिए शरीर की, उसमें आप हर तरह के मिनरल्स जा रहे हैं, हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि शरीर खराब हो जाए। तो उसी की वैल्यू है जो WHO ने सपोर्ट की हुई है 300, मैं बोलती हूँ कई जगह 300 से 500 के बीच में लोग रखते हैं TDS मीटर, उतना चल जाता है, ठीक है, बॉडी को उतनी आदत होनी चाहिए। तो आज ये टॉपिक मैं छोटा सा लेके आई थी रिवर्स ऑस्मोसिस का, मैंने आपको बताया प्रक्रिया है ये, कैसी प्रक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, TDS क्या चीज़ है, और एक्वागार्ड के साथ हमने इसका कंपैरिजन किया थोड़ा सा। तो इसी तरह की कुछ और वीडियोस में लेके आती रहूंगी, और ऐसे ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं ना उनको लेके कुछ ना कुछ मैं वीडियो बनाऊंगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई सुझाव है किसी तरह का तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वेट करूंगी मैं आपके कमेंट्स का, क्योंकि मुझे हमेशा वेट रहता है आपके सपोर्ट का, आपकी केयर का, जो भी आप इतना प्यार शो करते हो। सब्सक्राइब के साथ साथ वो जो टन 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 वो भी बजानी है आपने, ठीक है, वो आप बजा के रखेंगे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, तो जाहिर सी बात है आपका फ़ोन भी बजेगा जैसे ही कोई वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।